सियासत व्यापार खेडां ते फिल्म जगत दे नाल देश दुनिया दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो देश दी नंबर वन न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। सत श्री अकाल, मैं रचना, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे देश विदेश दे सारे दर्शकों दा बहुत बहुत स्वागत। नजर पाउने आ इस बुलेटिन दीआं मुख खबरां ते। भारत विच 24 घंटिया दौरान कोरोना वायरस दे 14,516 नवे मामले आए सामने, कुल गिनती 5,49,000 तो पार। वादे मामलों नु देख संगरूर प्रशासन सख्त, मलेरकोटला च मंगलवार ते बुधवार नु लगाया गया लॉकडाउन। लुधियाना च लगाया खूनदान कैंप, सिमरजीत बैंस ने सब तो पहला कीता ब्लड डोनेट। ते हुन खबरां विस्तार नाल। भारत विच कोरोना महामारी रुकन दा नाम नहीं लै रही। हुन भारत च कोरोना वायरस दे मरीजां दी कुल गिनती 5,49,000 तो पार हो गई है। उथे ही 16,487 लोगों की जान भी जा चुकी है। 24 घंटिया 14,516 नवे मामले सामने आए ने। खबर आ रही है भारत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का कुल आंकड़ा 5.5 लाख के करीब पहुंच गया। सेहत विभाग की ताज़ा जानकारी अनुसार देश भर में हुण तक 5,49,048 लोग कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। इस तो इलावा देश भर में कोरोना नाल हुण तक 16,487 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पिछले 24 घंटों दौरान देश में कोरोना के 14,516 नवे केस सामने आए हैं ते नाल ही 375 मौत भी हो चुकी ने। दस दईए कि देश भर में कोरोना के 2,10,000 एक्टिव केस ने। इस तो इलावा 3,20,000 लोग कोरोना तो ठीक भी हो चुके हैं। एक बार फिर तो दस दईए कि देश भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का कुल आंकड़ा 5.5 लाख के करीब पहुंच गया, पर इस तो इलावा 3,20,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी। पंजाब भर च कोरोना वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे ने। जिला संगरूर विच कोरोना वायरस के नवे मामले सामने आने करके संगरूर प्रशासन वालों मलेरकोटला च मंगलवार ते बुधवार नूं लॉकडाउन लगा दिता गया है। दसिया जा रहा है कि मलेरकोटला च कोरोना वायरस के 107 एक्टिव मामले ने, जिसके चलते प्रशासन वालों एक कदम चुकिया गया। इस वेले दी वड्डी खबर आ रही है पंजाब के कई जिले च कोरोना पॉजिटिव मरीजों की गिनती लगातार वधदी जा रही है, जो कि चिंता का विषय बनया होया है। इसे तरह पंजाब के जिला संगरूर विच कोरोना के रोजाना नवे मामले सामने आ रहे हैं। जानकारी अनुसार संगरूर के मलेरकोटला शहर विच कोरोना के सब तो ज्यादा मामले ने। इसे दे चलते संगरूर प्रशासन ने मलेरकोटला विच मंगलवार और बुधवार नूं लॉकडाउन लगा दिता है। दसिया जा रहा है कि मलेरकोटला शहर विच कोरोना के 107 एक्टिव केस ने। इसे नूं वेखदे हुए संगरूर प्रशासन ने मलेरकोटला विच मंगलवार और बुधवार नूं लॉकडाउन ऐलान दिता है, जिसके चलते हुण मंगलवार और बुधवार नूं भी मलेरकोटला बंद रहेगा। संगरूर तो मनीष कुमार की रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी। गलवान घाटी ते अपनी शूरवीरता अते दलेरी नाल 12 चीनी सैनिका नू मौत दे घाट उतारन वाले शहीद गुरतेज सिंह दी बहादुरी नू सलाम करदे लुधियाणा च खूनदान कैंप लगाया गया, जिस च सिमरजीत सिंह बैंस ने सब तो पहला खूनदान कीता। शहीद गुरतेज सिंह, वह महान शहीद सिंह जिसने गलवान घाटी विखे भारतीय चीन सरहद से अपनी सूरवीरता और दलेरी नाल 12 चीनी सैनिकों नूं मौत दे घाट उतार दिता और बाकी चीनी सैनिकों नूं वापस जाने लई मजबूर कर दिता। इस महान शहीद नूं सलाम करन लई जिसने सिख कौम अते पंजाबियों का नाम रोशन किया दे नां ते लुधियाणा च खूनदान कैंप लाया गया। इस खूनदान कैंप च सिमरजीत बैंस ने सब तो पहला खूनदान किया ते नाल ही शहीद गुरतेज सिंह दे परिवार नूं हर तरह की सहायता देने बारे कहा। इस दे नाल ही उन्हां शहीद गुरतेज सिंह की बहादुरी ते माण भी जताया। टोटल 12 चीनी सैनिक, कला गुरतेज सिंह शहीद किवें उन्हों का डट के मुकाबला करता, सो अज मैनू बहुत बड़ा माण ते फखर है कि असी 2% बड़ा कई बार रौला पाउण लग जांदे, पर अज बड़ी खुशी इस गल दी आ, माण हैगा कि असी 2% हो के सरहदां दी साडे देश की राखी वास्ते गुरतेज वर्गे सूरमे अज ਧਾਂਦਰਾ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਤੇਜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਬੀਰੇਵਾਲ ਡੋਗਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 70-80 ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਧਾਂਦਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਵੇਕ ਢਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਸ਼ਟਰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਟਰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
उसनु सवेरे 5:30 बजे फोन आया सी कि दुकान दा शटर टुटा पिया है। ता जदों उसने मौके ते जाके देखिया ता दुकान विचों दवाइयां ते कैश चोरी सी, जिस तों बाद उसने मौके ते पुलिस नु भी सूचित कीता। फिलहाल पुलिस वालों मौके ते पहुंच के मामले दी जांच कीती जा रही है अते व्यक्ति दी भी पाल जा रही है। मेडिकल स्टोर है जी। की नाम है जी? एक मेडिकल स्टोर। ओके, क्या गल हुई है जी? सानू तो सवेरे 5:30 बजे फोन आया जी, थोड़ा शटर पट्टिया पाया, फिर 5:30 आके देखा शटर पट्टिया है, बाकी शटर पट के अंदरों समान समून चक्या हुआ, थोड़ा बहुत कैश सी चोरी का। किन्ना नुकसान है? तकरीबन 25,000 रुपये। तो मौके पर पुलिस आई है? पुलिस आई है, कॉन्स्टेबल आया सी, अपना इंक्वायरी करके फोटो खिंच के चला गया। सवेरा टाइम्स लिए डेरा बस्सी तो मेजर अली दी रिपोर्ट। मानसा दे शहीद गुरतेज सिंह दी बहादुरी दी गाथा सुन तुसी भी सल्यूट करोगे। दस दईए कि इस सिख नौजवान ने इकल्या ही चीनी सैनिका दे होश उड़ा दिते ते जख्मी होण दे बावजूद अपनी किरपान दे नाल वारी वारी 12 चीनी सैनिका नू ढेर कर दिता ते बड़ी बहादुरी दे नाल जो बोले सो निहाल दे जयकारे लगांदे होए शहीद हो गए। ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਭਾਰੀ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਵਾਨ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਕੀਤੇ ਖੱਟੇ, ਚਾਲਬਾਜ਼ ਚੀਨ ਦੇ 12 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਢੇਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪੀ ਗਿਆ ਜਾਮ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਸਨੇ ਅਜਿਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਗਰਵ ਨਾਲ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮਰ ਸਿਰਫ 22 ਸਾਲ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜਨੂੰਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਤੇਜ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਜੋ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਪੂਤ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਲੂਟ ਕਰੋਗੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। 15 ਜੂਨ ਪੂਰਬੀ ਲਦਾਖ ਚ LAC ਤੇ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀ 22 ਸਾਲਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾਈ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ ਉਦੋਂ 3 ਪੰਜਾਬ ਘਾਤਕ ਪਲਾਟੂਨ ਨੂੰ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਡੰਡੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਚਾਕੂ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਨ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦੇ 4 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਤੇ 2 ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤੇਜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੁਰਤੇਜ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਤੇਜ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਸਲ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਕਾਰਨ ਅਟਕ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਤੇਜ ਨੇ 7 ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ 12ਵੇਂ ਚੀਨੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਤੇਜ ਇਕੱਲਾ ਲੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਤੇਜ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਸਪੂਤ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉਹ TV ਦਾ ਸਵਿੱਚ ਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ TV ਦੇ ਸਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੇ ਟਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।
परिवार मेंबरां दे मुताबिक जदों टीवी दा स्विच ऑन करन लगे तां टीवी दे स्विच विच स्पार्किंग हुई, देखते ही देखते अग ज्यादा वधन लगी अते फायर ब्रिगेड नूं सूचित कीता गया, जिन्हां ने समय रहिंदे अग ते काबू पा लिया। परिवार मुताबिक उन्हां दा घर दा कुछ समान जिवें बिस्तरे, टीवी, फ्रिज आदि सड़ गया। दूजे पासे फायर अफसर मुताबिक उन्हां ने मौके ते पहुंच के अग ते काबू पा लिया अते किसी भी तरह दा जानी नुकसान नहीं होया। ऐसा लगा कि ऐसा टीवी खुलते खुलते चुटचाट फुटपाट करता आधा घंटा और फिर सही होता है। अच्छा। तो चुटचाट फुटपाट पला ठीक है, बंद है लगाई रहे रखते में उठने और स्विच मन के सारे बंद कर लिया, बंद करने लगे तो आगे बंग बंग चल रहा। कितने का नुकसान हो चुका है, नुकसान कितना हुआ आपका? अभी तो कहा बता नहीं सकता, बाद में बताएंगे आपको। अंदर अभी कौन गया है? तो गया नहीं, अंदर कैसे बताइए नुकसान हुआ नुकसान हुआ। कोई जख्मी वगैरह तो नहीं हुआ आग से? कुछ नुकसान तो मतलब जान का नुकसान नहीं है ना? नहीं नहीं, दोनों बच गया पूरा। सूचना मिली कि कुष्ठ आश्रम के रूम के अग लगी है, ये टीवी ऑन करन लगे थे दोनों देखने लिए, तो टीवी ऑन करन लगे तो शॉर्ट सर्कट हो गया, अग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं होया, तो इन्हों का लॉस थोड़ा जहा हो गया, थोड़ा पानी पुनी खड़न के नाल जिहड़ा पानी मारिया उहदे नाल थोड़ा बहुत इन्हां दे कुत्ते कुत्ते का लॉस होया, और कोई इन्ना मेजर नुकसान नहीं होया, बच गया, बड़ा हादसा होने तो बच गया। अग अग तो पूरी तरह काबू पा लिया, पूरी कंट्रोल तुसीं देखी है कि कंट्रोल कर चुके हैं, पूरी तरह साडी टीम पहुँच चुकी मौके ते और अग ते काबू पा लिया गया। सवेरा टाइम्स लई खन्ना तो संजय सैनी। ते सन हुण तक दीआं खबरां, मैनूं रचना नूं दिओ इजाजत, होर ताज़ा जानकारी लई वेखदे रहो दैनिक सवेरा टीवी।